हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर रहा है ईपीएफओ की तरफ से। जिनको पेंशन मिलती है, ईपीएस पेंशन मिलती है, बोल सकते हैं ईपीएफ पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो, कि 70वीं लोकसभा का चौथा सत्र तथा राज्यसभा का 252वां सत्र जो है मानसून सत्र 2020 चल रहा है। 14 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक ये चलेगा। और यहाँ पे श्रम रोजगार मंत्रालय से संबंधित जो है संसदीय प्रश्नों के जो है तिथियां यानी कि डेट जो है निर्धारित की गई थी कि लोकसभा में और राज्यसभा में कब जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, लोकसभा में जो डेट दी गई है वो ये है और राज्यसभा के लिए जो डेट दी गई है वो ये है। तो इसी को लेकर आज जो है 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएस पेंशन को लेकर। तो चलिए पूरी डिटेल से ईपीएफ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया था और केरल हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर भी इसमें जो है सवाल किया था और इसका जो आंसर है श्रम एंड रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने दिया है। तो चलिए पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या आंसर इसका क्या उत्तर दिया है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में भी आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या थी, प्रश्न संख्या थी 1342। शनिवार यानी कि आज 19 सितंबर 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएफ पेंशन और ये क्वेश्चन नंबर थी 1342। किसके द्वारा पूछा गया था? यहाँ पे एडवोकेट ए एम आरिफ और श्री एन के प्रेमचंद्रन जी के द्वारा यहाँ पे पूछा गया कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कैम में पूछा है क्या ईपीएफ पेंशन की दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले की सरकार को जानकारी है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? खै, यदि हाँ तो उक्त मामले के त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? गय, क्या सरकार का वेतन पर आधारित उच्च पेंशन संबंधी विकल्प के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का विचार है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? गय, क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय से सत्यगन प्राप्त कर लिया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यहाँ पे डे में पूछा गया कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को अधीनिस्थ कार्यालयों में लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हो और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है और यदि नहीं तो केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करने के क्या कारण है? और यहाँ पे चय, क्या ईपीएफओ केरल उच्च न्यायालय के आदेश से बाध्य है और यदि हाँ तो इसे लागू करने में विलंब के क्या कारण हो और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? और यहाँ पे इसका जो आंसर है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने दिया है। यहाँ पे कै का जो आंसर दिया है कि पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति के मामले पर क्रमशः यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा विशिष्ट अवकाश याचिका एसएलपी सिविल संख्या 16721, 16722, 2019 और समीक्षा याचिका सिविल संख्या 1430, 1431, 2019 प्रस्तुत कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12/7/2019 के आदेश के माध्यम से खुले न्यायालय में उल्लिखित एसएलपी और समीक्षा याचिका की सूची बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त रिट याचिका की संख्या 233/2018 एम चोकालिगम बनाव यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक 6 फरवरी 2020 के आदेश के तहत माननीय न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रिट याचिकाओं को प्रोक्त एसएलपी और समीक्षा याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। और यहाँ पे खै से चय का आंसर दिया है कि यह मामला विचाराधीन है, जैसा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर काफ़ी सारी याचिकाएं लगाई गई हैं, वहाँ पे ईपीएस 90 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन को लेकर जो है वहाँ पर केस जो है पिटीशन जो है लंबित है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर सुनवाई करेगा, तो उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं, वहीं से जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद ही फैसला होगा कि ईपीएस पेंशन हाई को लेकर क्या जो है सरकार फैसला लेती है, श्रम रोजगार मंत्रालय जो है क्या उस पर फैसला लेती है। यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे देख सकते हो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई है, तो ये मामला अभी जो है विचाराधीन है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको दोबारा से पढ़ना है तो आप दोबारा से पढ़ सकते हो। और बाकी आगे जो भी कोई अपडेट आएगा, चाहे ईपीएफओ की तरफ से आए या फिर सरकार की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से, जो भी कोई अपडेट आएगा ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, मैं कोशिश करूंगा पूरी जानकारी, करेक्ट और सही जानकारी आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूं।